नमस्कार किसान भाइयों और मेरे पशुपालकों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आपका। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, हमारा जो पशु है दोस्तों, उसे हम अगर इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या उसकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उससे जो है वो अपना जो है चारा दाना कभी कभार कम कर देता है और इससे जो है उसमें कमजोरी आ जाती है दोस्तों, और कई बार जो है वो दाना चारा बहुत ही कम करते जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें कुछ उपाय करने होते हैं जिससे हम उसकी भूख को वापस बढ़ा सकें। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही उपाय बता रहा हूँ दोस्तों जो बिल्कुल घरेलू है और देसी तरीका है दोस्तों, जिसका उपयोग करने से आप अपने पशु के भूख को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू करते हैं और जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इस उपाय को बनाने की शुरुआत हमको जो है 200 ग्राम बेसन से करनी है। बेसन में दोस्तों प्रोटीन और फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं जिससे पशु को जो है खाने को पचाने में मदद मिलती है दोस्तों, इसलिए इसका इस्तेमाल हमको करना है। और इसके अलावा दोस्तों हमको लेना है लगभग 20 ग्राम अजवाइन। अजवाइन में दोस्तों एंटी एसिड पाए जाते हैं दोस्तों, जिससे जो है ये पेट के एसिड को कम करता है और इससे भी दोस्तों पशु को जो है भूख को बढ़ाने में मदद मिलती है। और साथ में हमको लेना है दोस्तों लगभग 6 से 8 इलायची लेना है दोस्तों। छोटी इलायची का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। इलायची जो है दोस्तों खाने को पचाने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत भी करता है। और इसके साथ में दोस्तों हमको लेना है लगभग 15 ग्राम सेंधा नमक। सेंधा नमक का दोस्तों इस्तेमाल हमको जो है यहाँ पर स्वाद को बढ़ाने के लिए करना है, लेकिन साथ में दोस्तों सेंधा नमक में कुछ मिनरल भी पाए जाते हैं जो पशु के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, साथ ही ऑल को दबाएं ताकि सभी जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, छोटी इलायची है इसे हम छील लेते हैं क्योंकि जो है हमें इसके बीज का इस्तेमाल करना है, और इस बीज को दोस्तों अच्छे तरीके से कूट लेना है ताकि जो है पशु इसे आसानी से पचा सके। तो अब हमें जो है बेसन को ले लेना है दोस्तों और इसमें डाल देना है ये जो इलायची जिसे हमने कूट लिया था, और इसमें डाल देना है सेंधा नमक को जिसे 15 ग्राम हमने लिया था और इसे भी हमने जो है बारीक कर लिया है दोस्तों। और साथ में दोस्तों 20 ग्राम अजवाइन को भी डाल देना है। अजवाइन को दोस्तों आप जो है इसे कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सभी को अच्छे तरीके से मिलाना है दोस्तों और इसे आटे की लोई जैसा तैयार करना है दोस्तों, क्योंकि इसे जो है हमें पका कर ही पशु को देना है। इसे हम कच्चा बिल्कुल भी नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि इसे जो है पशु आसानी से पचा नहीं पाएगा। और इसे जो है दोस्तों हमें बिल्कुल आटे की लोई जैसा कर लेना है ताकि जो है हम इसकी रोटी बना सकें और इसे सेक सकें, क्योंकि दोस्तों हमें इसे पशु को कच्चा बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, इसे हमें जो है पकाकर ही देना है दोस्तों। ये जो बेसन होता है ये आटे की तरह नहीं होता है दोस्तों, इसे आप अगर बेलेंगे तो ये पूरे तरीके से चक्की में चिपक जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूखा बेसन का इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसे सेकने के लिए दोस्तों आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल हमें पशु को जरूर देना चाहिए दोस्तों, इससे भी पशु को जो है भूख बढ़ाने में मदद मिलती है दोस्तों। इसे देने का तरीका ऐसा है कि हमें अपने पशु को जो है दिन में एक बार एक रोटी खिलानी है दोस्तों, और ऐसे ही जो है हमें लगभग 3 दिनों तक करना है, जिससे जो है पशु को अच्छे तरीके से भूख लगेगी और वो अपना दाना और चारा पूरी तरीके से खा पाएगा। और आखिर में दोस्तों इसमें सरसों का तेल और लगाना है दोस्तों आपको, और चाहे तो आप जो है इसे पूरे तरीके से सरसों के तेल में डुबा भी सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल जैसे मैंने आपको बताया कि ये भूख को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में, और ऐसी जानकारियाँ और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले।